बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोल श्री सतगुरु महाराज की। श्री महामत कहे ए साथ जी, ए दीप की बीतक, अजू और बहुत है सो कहो ग्रहे माफक, सो कहो ग्रहे माफक। फिर कहे सुकन जय राम को, दीप में श्री जिए जब। प्रणधार आत्मसंबंधी सुंदर साथ जी, कल की चर्चा में हमने सुना कि किस तरह से पूरी माया दिखाने के बाद अहमदाबाद के जेल से छूटकर अब सृजी जागनी कार्य के लिए प्रस्थान करते हैं और सर्वप्रथम दीप बंदर पहुंचते हैं। दीप बंदर में जयराम भाई गंसारा उन्हें खंडने के वचन कहते हैं कि किस तरह से ये संसार, इस संसार के साधारण जीव तो यहीं से उत्पन्न हुए हैं और यहीं रह जाएंगे, उनका तो चक्र चलता रहेगा, पर तुम तो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई न अघाया इनमें चचोड़त ठौर मुर्दा, कबलो कांसा कूटेगा कबलो हथौड़ा अहरन, कबलो घर में बैठेगा आई सिर पर कयामत रोशन। कैसा प्रेम ब्रज में करते तुमसे श्रीराज, कि ब्रज में किस प्रकार का प्रेम करते थे राजजी, और आप भी राजजी से कैसा प्रेम करते थे। माया के सारे काम करते हुए, हर प्रकार की जिम्मेदारी को निभाते हुए भी आपका चित्त हमेशा राज्य के चरणों में रहता था, और इसी कारण आप सब योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश कर पाए और वहां पर रास की लीला की अधिकारिणी बनी। अब उसी रास लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किस तरह से राज्य ने तुमसे उथले वचन कहे थे, तुमने कैसे जवाब दिया, किस प्रकार राज्य ने वृंदावन दिखाया और किस प्रकार तुम पुनः उस खेल में मग्न हो गए, कैसे अंतर्ध्यान होकर के राज्य ने थोड़ी देर का पल भर का विरह दिया। और अब आगे कह रहे हैं कि रासलीला याद करते पहले कहिया सन्मंद को सबब। रासलीला को याद करते हुए लीला करने वाले के साथ जो संबंध है उसकी पहचान कराई, और फिर आगे कहते हैं कि फिर तुम ही प्रगटे क्यों कर भाना शोक, फिर राजसो मिलके करने लगे जोक। पुनः राज्य जब प्रकट होते हैं तो किस तरह से मस्ती होती है, किस तरह से आनंद की लीला होती है, और किस तरह से विभिन्न प्रकार के खेलों के बाद यमुना जी में स्नान किया जाता है, कैसे यमुना तट पर श्री राज्य को आसन करके बैठाया जाता है, कैसे वहां पर भोजन कराया जाता है, कैसे राज्य पूछते हैं किस प्रकार हम रास से परमधाम गए और किस प्रकार मनोरथ पूरा न होने के कारण, इच्छा अधूरी रह जाने के कारण पुनः किस तरह से इस तीसरे जागनी के ब्रह्मांड में आना पड़ा, और ये जागनी का ब्रह्मांड भी आप ही के लिए हुआ है। कहते हैं तिस वास्ते इंड तीसरा रचिया तुम कारण, त्रैगुन खिलौने तुम्हारे तुम हो खास सयन। ये चौपाई अत्यंत महत्वपूर्ण है ब्रह्म सृष्टियों की गरिमा को बताने की दृष्टि से, पर हमने इस चौपाई का, हमारे समाज ने सुंदर साथ ने इस चौपाई का दुरुपयोग किया है। श्री जी कह रहे हैं कि तिस वास्ते इंड तीसरा रचिया तुम कारण, त्रैगुन खिलौने तुम्हारे तुम हो खास संयम।
ये जो तीसरा ब्रह्मांड है वो आपके लिए बनाया गया है और त्रिगुण आपके लिए खिलौने हैं, आप परम धाम की खास ब्रह्म सृष्टि हैं। लेकिन इसका अर्थ कैसे लगाया गया? सुंदर सात कहते हैं कि त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो हमारे लिए खिलौने हैं। कभी कभी तो अर्थ इस तरह से लगाया जाता है, कभी जो इनके अनुयायी हैं उनको इसी प्रकार बोल दिया जाता है कि देखो तुम जिनकी पूजा करते हो वो तो हमारे खिलौने हैं। वास्तविकता क्या है? यहाँ त्रिगुण तुम्हारे खिलौने का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु महेश हर किसी के लिए खिलौने हैं। जो ब्रह्म सृष्टि अपनी शुद्ध अवस्था में होती है, अर्थात जीव भाव त्याग कर आत्मभाव में स्थित होती हैं, जो ब्रह्मात्माएं परमहंस अवस्था को प्राप्त करती हैं, उनके लिए तो ये भाव हो सकता है, लेकिन जिनकी अवस्था वास्तव में ऐसी होती है वो इस तरह से बात नहीं करेंगे कि देखो तुम्हारे देवी देवता तो हमारे खिलौने हैं। प्रैक्टिकली बात सही भी है एक दृष्टि से देखा जाए तो, क्योंकि स्वयं भागवत में ये प्रसंग आता है, उसमें लिखा है कि भगवान जी कहते हैं कि जो ब्रह्म मुनि है उनके चरण रज मुझे अत्यंत प्रिय हैं, और ब्रह्म मुनि मुझे इतने प्रिय हैं कि मुझे मेरी स्वयं की आत्मा से भी प्रिय है, और इसीलिए मैं उनके चरण कमल पाने के लिए, उनके चरण रज पाने के लिए उनके पीछे पीछे घुमा करता हूँ। ब्रह्मवाणी का यह कथन कि चरण रज ब्रह्म सृष्टि के खोज थके त्रिगुण, यह गलत नहीं है, पर जिसकी रहनी एक साधारण जीव से भी तुच्छ हो, अगर वो केवल इस बात को लेकर के दावा करे कि हमने तारतम ग्रहण किया है तो हम ये दावा ले सकते हैं, तो ये गलत है। इस संसार में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनकी गणना हम जीवों में करते हैं। मैं महापुरुषों की बात कर रहा हूं, त्रिदेव तो वो है जिनकी भक्ति उन महापुरुषों ने की। क्या सुंदर साथ में ऐसा कोई है जो हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी है? क्या कोई ऐसा है जो प्रहलाद की जैसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपनी भक्ति ना छोड़े, अपना ईमान ना छोड़े? क्या कोई ऐसा है जो दधीची की तरह समाज के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व योगदान देने के लिए, अपना सर्वस्व बलिदान देने के लिए तैयार है, अपनी हड्डी तक देने के लिए तैयार है? क्या कोई ऐसा है जो गौतम बुद्ध की तरह राजपाट छोड़ करके 7 वर्ष तक तप करने वाला हो? क्या कोई ऐसा है जो महावीर स्वामी की तरह तपस्वी हो? क्या कोई ऐसा है जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की तरह हो? क्या किसी का आचरण शंकराचार्य जी, विवेकानंद जी जैसा है, जिन 7 ऋषियों का नाम सप्तर्षियों के रूप में हम लेते हैं, क्या हमारे समाज में वैसा है? क्या भर्तृहरि की तरह राजपाट त्याग करने वाला है? क्या राजा जनक की तरह विदेही है? तो न हम में सत्यवादिता है, न हम में धर्मपरायणता है, न हमने गौतम बुद्ध की तरह शांति को अपनाया है, न हमने क्रोध को त्यागा है। हम तो सुंदर साथ तो चोरी भी करेंगे और राज्य को दोष दे के बोलेंगे हुक्मे करावे चोरियां, और फिर दावा किसका लेंगे? त्रिगुण हमारे खिलौने। जो वास्तव में उस लायक होते हैं वो दावा करते ही नहीं है। ये तो श्री जी ने ब्रह्म सृष्टियों को अपनी शक्ति पहचान कराने के लिए वहां दीप बंदर में जयराम भाई कंसारा को बोला है। हम भी यदि उस उच्च अवस्था तक पहुंचते हैं, उस परमहंस अवस्था तक पहुंचते हैं, तो वास्तव में ये चौपाई सही सिद्ध होगी, पर हमें बोल करके कहने की उस समय जरूरत नहीं पड़ेगी कि त्रिगुण तो हमारे खिलौने हैं। जो उस अवस्था तक पहुंचेगा वो बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चौपाई से अहम झलकता है।
श्री जी ने तो ब्रह्म सृष्टियों को उनकी महिमा याद दिलाई है। जैसे वाणी कहती है ना, लाडलियां लाहुत की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान। पर इसका दुष्परिणाम समाज में ये देखने को मिलता है, सुंदर साथ कहते हैं कि देखो राजजी भी हमारी महिमा गाते हैं, फिर कुछ करने की क्या जरूरत पड़ गई। इंद्रावती जी कहती हैं, तो भी घाव न लग गया रे कलेज, महिमा तो बता दी लेकिन ये चौपाई भी तो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि तो भी घाव न लग गया रे कलेजे, जो एते देखे धनी गुण कोट ब्रह्मांड जाकी पलथे पैदा, सो चाहे हमारा दर्शन। जब हमारे हृदय में घाव लगेगा, जब हमारी अंतरात्मा को ये ब्रह्मवाणी के शब्द चोट करेंगे और जब हम परमहंस अवस्था तक पहुंचेंगे, तो उस समय ये चौपाई सत्य साबित होगी कि त्रिगुण खिलौने तुम्हारे, तुम हो खास सयन। अभी तो हमारी रहनी आम से भी गई गुजरी है। एक साधारण मनुष्य में जो धर्म के लक्षण होने चाहिए थे, वे धर्म के लक्षण भी हम में नहीं है। हाँ, राज्जी ने ब्रह्मात्माओं को वो अधिकार दिया है निस्बत के कारण कि उन्हें न गौतम बुद्ध की तरह तप करने की आवश्यकता है, न महावीर स्वामी की तरह, न विवेकानंद जी की तरह 14 बार जहर पीने की आवश्यकता है, ये ऐसा सब करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बिना कुछ किए या थोड़े से परिश्रम में अगर आपको बहुत कुछ पाना है, फिर तो आपके पास एकमात्र उपाय यह है कि आपको निस्बत की पहचान तो करनी पड़ेगी, राज्जी से संबंध तो जोड़ना पड़ेगा। देखिए, जो साधारण जीव हैं वे मजदूर की तरह हैं, बेचारे मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन रानी का संबंध राजा के साथ होने के कारण बिना परिश्रम के उसको राजा के अधिकार की सारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो हमारा संबंध हमारा निस्बत राज्य के साथ है, लेकिन अगर हम हरकत जो है वो मजदूर वाली करेंगे, हरकत जो है वो दासियों वाली करेंगे, तो क्या होगा? फिर बार बार किसी न किसी दूसरे जन्म में आना पड़ेगा, और एक ब्रह्मात्मा होने के बावजूद भी यही खेल लंबा होता जाएगा और अलग अलग माध्यमों से देखना पड़ेगा। इसीलिए अगर त्रिगुण हमारे खिलौने हमें कहना है, तो अंदर ही अंदर आप कहें, और कहने की भी आवश्यकता नहीं, आप ऐसा बन करके दिखाएं कि वास्तव में ऐसा लगने लग जाए। जैसे परमहंस महाराज से राम रतन दास जी हैं, शिव जी जिनकी सेवा में घूमते हैं, श्री जी की अवस्था वो है कि कहते हैं कि जहां पंचवासना सब देव खड़े, तो ऐसी अवस्था हमें बनाने की आवश्यकता है। पर हमारी अवस्था कैसी है? कहते हैं, अजू तुम मोह अंधेर में, जो एता दिया तुम्हें याद, फेर माया मोह में, याद न करो बुनियाद। हम बार बार इस संसार के मोह में, माया के बंधन में अपने बुनियाद अर्थात नींव को, मूल को, अपने मूल अस्तित्व को, परात्म को, परमधाम को, राज्जी को भूल रहे हैं। इस तरह से जब श्री जी चर्चा करते हैं तो कह रहे हैं, इन चर्चा के रस में देखा न जाते दिन, सुन के सब मगन भय, दिल हुआ अति रोशन। श्री जी की चर्चा में सुंदर साथ को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि दिन बीत रहा है, निरंतर चर्चा सुनते हैं। और अब आगे भी श्री जी चर्चा बढ़ाते हैं, कहते हैं, फिर चर्चा करने लगे, भलो जो पायो सुख, ता समय साथ की सिफत कही न जाइया मुख। श्री जी तो महिमा है ही उनकी, लेकिन सुंदर साथ की भी महिमा है कि सुबह से सुन रहे हैं श्री जी की चर्चा को। हम होते तो उब जाते, हम तो 1.5 घंटे के बाद, फिर जैसे मान लीजिए कि 1.5 घंटे का समय अगर रखा गया है, उसके बाद पीछे कांटे की तरफ देखने लगते हैं, फिर देखने लगते हैं कि हमें घर भी पहुंचना है, वहां पर ये काम करना है, वो काम करना है। उन सुंदर साथ की महिमा इसीलिए है कि वो ये नहीं देख रहे हैं कि दिन है कि रात है, बस श्री जी सुना रहे हैं और सुंदर साथ सुन रहे हैं। इस प्रकार विक्रम संवत 1722 का ये समय है।
जब श्री जी दीप बंदर में पहुंचे हैं और उस दीप बंदर में श्री जी रहते हैं 2 वर्ष तक। सोचे कि उन सुंदर साथ की महिमा कितनी होगी, वो सुंदर साथ कितने सौभाग्यशाली रहे होंगे जिन्होंने 2 वर्ष तक श्री जी की सेवा की, प्रेम सेवा से श्री जी को रिझाया और उनके मुख से अमृतमयी वाणी का रसास्वादन करके अपनी आत्मा को जागृत किया। अब नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार की चर्चा होती है, ये तो एक नमूना था। 2 वर्ष की चर्चा को अगर लिखा जाए, अभी राज्य की मेहर से स्वामी जी की चर्चाएं हम लिख रहे हैं ग्रंथ के रूप में प्रकाशित करने के लिए, केवल 7 दिन की जो चर्चा है वो भी 1-1 घंटे की, उसको टाइपिंग किया गया तो लगभग 180 पेज के आसपास होता है केवल 1-1 घंटे की चर्चा। श्री जी तो कम से कम भी 6-6 घंटे 8-8 घंटे बोलते होंगे और 2 वर्ष तक, तो पूरी चर्चा तो लिख पाना संभव नहीं है। पर एक नमूना बताया श्री लालदास जी ने कि किस प्रकार से श्री जी प्रबोधित करते थे। आवश्यकता पड़ने पर कठोर से कठोर शब्द कहने में भी नहीं चूकते थे। क्यों? अभी गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने एक बात कही थी कि सद्गुरु जो होते हैं वास्तव में उनकी अवस्था कैसी होती है, वज्रादपि कठोराणी मृदुणी कुसुमादपि, वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल। चूंकि ब्रह्मात्माओं के प्रति अधिकार समझ रहे हैं, सुंदर साथ के साथ वह अपनत्व अपनापन समझ रहे हैं, इसलिए श्री जी उन सुंदर साथ की खंडनी कर रहे हैं। लेकिन वही सुंदर साथ जब जागृत होता है, वही सुंदर साथ जब राज्य के स्वरूप की पहचान करने लगता है, उसके बाद तो श्री जी क्या कहते हैं कि दुख ना देऊं फूल पांखड़ी देखो शीतल नैन। और जो उन्होंने ब्रह्म सृष्टियों को जगाने के लिए थोड़े कड़वे शब्द कहे थे, थोड़े टेढ़े शब्द कहे थे, उसके लिए भी वो पश्चाताप करते हैं कि टेढ़े सुकन तुम्हें कहूं सो काट करूं जुबा दूर, पर इन माया का तुमको कहा हो सी रोशन नूर। जो मैं अपने जिह्वा से टेढ़े शब्द आपको कहता हूँ, चुभने वाले शब्द कहता हूँ, तो मुझे इतनी पीड़ा होती है कि मैं अपनी जिह्वा को काट लूं, लेकिन अगर ऐसा न कहें तो माया से आपका मन हटता ही नहीं है। श्री जी के द्वारा कठोर शब्द कहा जाना ऐसा ही है, जैसे मान लीजिए कि आजकल तो लगभग सबके हाथ हाथ में मोबाइल फोन होता है, किसी के हाथ में मोबाइल फोन है, ब्लूटूथ ईयरफोन है, कान में फुल वॉल्यूम में गाना बजा हुआ है, सड़क पे वो चल रहा है गाना सुनते हुए, और पीछे से ब्रेक फेल ट्रक आ रहा है और वो उसी दिशा में है, ठीक उस लड़के के पीछे है थोड़ी ही दूरी पर, हॉर्न बजा रहा है पर फुल वॉल्यूम में गाना चल रहा है तो इसलिए वो लड़का सुन ही नहीं रहा है। दूर से किसी ने देखा और दौड़ते हुए जाकर के उसको धक्का लगा दिया। अब उस धक्के में चोट दोनों को लगती है, लेकिन जान बचानी हो तो वो धक्का जरूरी है। क्यों? क्योंकि पीछे की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। प्रेममयी पुकार जब सुनाई नहीं पड़ती है तो वहां इसी तरह से धक्के लगते हैं, और ये जो कुछ कठोर शब्द हैं वो ऐसे ही धक्के के समान है, और वो कठोर शब्द भी ब्रह्मात्माओं के भले के लिए हैं। कभी कभी जब बुखार लंबे समय तक उतरता नहीं है और बीमार व्यक्ति परहेज भी नहीं करता तो उसको फिर बाद में कड़वी गोली खानी पड़ती है। ये जो कुछ कठोर शब्द हैं, ये कठोर शब्द उस कड़वी गोली के समान है जो कि माया के रोग को, भव रोग को उतारने के लिए है। अब इस प्रकार 2 वर्ष तक सुंदर साथ ने चर्चा सुनी, पूरे शहर में, पूरे दीव बंदर में श्री जी की चर्चा की खबर फैल गई और सब लोग सुनने आने लग गए। जिसका जितना अंकुर था, जिसका जैसा संबंध था, उस संबंध के अनुसार सबने लाभ लिया। ब्रह्मात्माओं ने राज्य के प्रेम का लाभ लिया, ब्रह्मात्माओं ने परमधाम के दर्शन का लाभ लिया,
ईश्वरीय सृष्टि ने ज्ञान का लाभ लिया और जीव सृष्टि ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति की। तीनों का लाभ अलग अलग प्रकार का होता है ना। ब्रह्मात्मा क्या चाहती है? जो सच्ची ब्रह्मात्मा होगी उसको ज्ञान से भी कोई खास मतलब होता नहीं है, उसको लेना देना होगा प्रेम से। ज्ञान वो ग्रहण करेगी, पर वो ज्ञान को भी किस रूप में लेगी? प्रेम के रूप में ही लेगी। वो उस शब्द के अर्थ की व्याख्या की तरफ नहीं जाएगी, वो देखेगी कि ये मेरे प्रियतम के शब्द हैं, इसमें कितना प्रेम छिपा हुआ है। तो ब्रह्मात्मा राज्य से प्रेम चाहती है। ईश्वरीय सृष्टि में भी प्रेम तो होता है, पर विशेषता ज्ञान की होती है। तो उनको ज्ञान में आनंद आता है, क्योंकि उनको जानना है ईश्वर सृष्टि है कौन। अक्षर की ही तो सुरता है ना, अक्षर को क्या करना था? जानना था ना कि अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इश्क वर्तत, सो शुद्ध अक्षर को नहीं। तो अक्षर को शुद्ध चाहिए, उनको समझ चाहिए, तो वो बुद्धि परक ज्ञान की तरफ होती है। हाँ, स्वाभाविक रूप में प्रेम तो होता ही है। देखिए, प्रेम तो जीव सृष्टि का भी स्वभाव है, पर निस्बत अलग होने से जिसके साथ निस्बत है उसके साथ प्रेम होता है। तो साधारण रूप में ब्रह्मात्माएं प्रेम में डूबती हैं, ईश्वरीय सृष्टि ज्ञान में ज्यादा डूबती हैं और प्रेम भी होता है। जीव सृष्टि कर्म कांड की तरफ ज्यादा उनका ध्यान होता है, ज्यादा से ज्यादा अगर उससे थोड़ा ऊपर उठी तो थोड़ा बहुत ज्ञान की तरफ भी उनकी रुचि होती है। हाँ, जिस जीव ने जन्म जन्मांतर से तप किया होगा तो उस तप के फल स्वरूप क्या होगा, तारतम ज्ञान लेने के बाद, क्योंकि उसके हृदय में भी प्रेम का अंकुर तो है ही। देखिए, इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसको प्रेम नहीं चाहिए। प्रेम, शांति और आनंद तो सभी ढूंढते हैं, पर एक साधारण जो नियम होता है वो सबके लिए अलग अलग लागू होता है। जीव सृष्टि साधारण रूप में कर्म कांड में ही डूबती है और थोड़ा बहुत ज्ञान, तथा अगर ज्ञान में निरंतरता रही और उसके कर्म ऐसे रहे तो कुछ कुछ प्रेम की तरफ भी कभी कभी विरले ही उंगली में गिने जाने लायक कुछ ऐसे होते हैं जो प्रेम के मार्ग पर चलते हैं। तो अपने अंकुर माफक हिस्सा लिया सबन, पर आए केतेक साथ में जो निस्बती साथ सयन। सुंदर साथ में वही आए जिनका संबंध ब्रह्म सृष्टियों के साथ था। अब वहां एक परीक्षा भी होती है और उस परीक्षा में, क्योंकि परीक्षा किस प्रकार से होती है, श्री लालदास जी कहते हैं, युद्ध किया दज्जाल ने बड़ा जो किया शोर, हाथ पाव अपने पटके पर कछु न चले जोर। दज्जाल, दज्जाल कौन है? कोई इसको कलयुग कहे, कोई अज्ञानता कहे, कोई मोह भ्रम कुछ भी कहे, जो भी राज्य और ब्रह्मात्माओं के बीच में आए, अथवा इसको ऐसे समझें कि ब्रह्म सृष्टियों की आत्म जागृति के राह में जो कोई भी बाधा है वो दज्जाल है। वो कोई भी हो सकता है, किसी व्यक्ति के रूप में हो सकता है, किसी रिश्ते के रूप में हो सकता है, किसी प्रकार के आदत के रूप में हो सकता है, अज्ञानता के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। अब यहाँ दज्जाल कौन है उसके बारे में बता रहे हैं और साथ में क्या कह रहे हैं कि धक्का दिया बड़ा साथ को, पर जाको डग्या न ईमान, सोई खास गिरोह मोमिन, जाको हके दई पूरी पहचान। दज्जाल ने धक्का दिया ब्रह्म सृष्टियों के सुंदर साथ के विश्वास को हिलाने के लिए, धक्का तो दिया, पर जो वास्तव में ब्रह्म सृष्टि हैं, जिन्होंने राज्य के स्वरूप की पहचान की है, उनका ईमान नहीं डगमगाता है। अब उसकी भूमिका बना रहे हैं, कहते हैं कि कथा बांचने के आसन सो हुए दुश्मन। दीव में श्री जी के पधारने से पहले भी कई लोग ऐसे थे जो पुराणों की कथा सुनाया करते थे, उनकी वही आजीविका थी और उनके जो श्रोता थे उन्होंने अब श्री जी के पास जाना प्रारंभ किया, क्योंकि लोगों को कुछ न कुछ नया चाहिए होता है। अगर किसी को नया कुछ ना मिले तो क्या होगा, ऊब जाएगा। अब वे लोग श्री जी के पास जाते हैं, श्री जी से चर्चा सुनते हैं,
अब इसमें उन पंडितों का दोहरा नुकसान होता है। दोहरा नुकसान कैसे? पहला तो संख्या कम हो गई, दूसरी कि जो लोग श्री जी से चर्चा सुनने जाते हैं वे अब उन पंडितों के पास अगर कभी आते भी हैं तो प्रश्न पूछ देते हैं। अब वो प्रश्न कैसे होंगे आप सोच सकते हैं, क्योंकि तारतम ज्ञान के आधार पर हरिजी व्यास, कानजी भट्ट ऐसे बड़े बड़े विद्वान जब नहीं टिक पाते हैं तो साधारण कोई कथावाचक होंगे वो कैसे टिक पाते हैं। तो जब अखंड ब्रज, अखंड रास से संबंधित बात होगी, महाप्रलय से संबंधित बात होगी कि महाप्रलय के समय में जीव कहाँ रहता है, आत्मा का घर कहाँ रहता है, परमात्मा कहाँ रहता है, ऐसे जो प्रश्न अगर कोई पूछ दे तो अब किसी के पास जवाब नहीं आता है। उन्होंने क्या सोचा? एक चाणक्य का कथन है, न वेत्ति यो यस्य गुणः प्रकर्षम सतस्य निंदा शततम करोति। जो जिसके गुण को नहीं जानता है फिर वो बुराई करता है, निंदा करता है। इस दुनिया की ये रीति है, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, इस दुनिया की रीति है कि वो जिसको हरा नहीं सकती है, दुनिया जिसे हरा नहीं सकती है उसको बदनाम करती है हर जगह पर। आप चाहे किसी की भी इतिहास को देख लीजिए, यही है कि दुनिया जिसे हरा नहीं सकती उसको बदनाम कर देती है। अभी मैं एक लेख पढ़ रहा था, वैसे बहुत सारे लेख इस जैसे होते हैं। भारतवर्ष में अगर मैं किसी से भी, आप में से किसी से भी पूछूं, आप कुछ मिठाइयों के नाम बता दीजिए, तो आप कम से कम भी 25 मिठाइयों के नाम बता देंगे, कम से कम। और हमारे यहाँ मेरे ख्याल से 29 राज्य हैं अभी और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हर स्थान की कोई ना कोई फेमस प्रसिद्ध मिठाई होती है, उस हिसाब से भी देखा जाए तो 35-40 प्रसिद्ध मिठाइयाँ होंगी। और आप किसी भी मिठाई के दुकानदार के पास जाएंगे तो वहाँ पर कम से कम 100 तरह की मिठाई होती है, ठीक है। तो क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर सैकड़ों तरह की मिठाइयाँ हैं। लेकिन जब जब भी त्योहार आते हैं, चाहे वो रक्षाबंधन हो, चाहे दीपावली हो, चाहे कोई भी त्योहार हो, तो वहां पर टेलीविजन में एड दिखाया जाता है कुछ मीठा हो जाए। तो कौन सा एड दिखाया जाता है? चॉकलेट का, है ना? अच्छा, अब मैं इसी विषय में, एक थोड़ा सा प्रसंग चल रहा है इसलिए बात बता रहा हूं बीतक से बाहर की। हमारे यहाँ एक मिठाई है जिसका नाम है सोन पापड़ी, पता है आपको? और इसको इतना बदनाम कर दिया गया है, लोगों को लगता है कि सस्ती वाली मिठाई है, ठीक है। अच्छा, मान लो कि महंगी मिठाई जिसके साथ आप तुलना कर रहे हैं, उसमें ऐसी क्या खास बात है जो इसमें नहीं है? इसका मेकिंग प्रोसेस से लेकर के, ये पहली बात, बहुत जल्दी खराब नहीं होता है, खाने में भी स्वादिष्ट लगता है, मुंह में डालते ही घुल जाता है और इतना अच्छा लगता है, कोमल कोमल सा, जो जिन लोगों के पास दांत नहीं होते उनको भी चबाने की जरूरत नहीं पड़ती है, है कि नहीं? लेकिन उसके बावजूद उसका मजाक बनाया जाता है सोशल मीडिया पर, क्यों? क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो दोनों मिठाई में अगर तुलना करें, एक तो चॉकलेट है, उसमें क्या क्या डाला है कुछ अता पता भी नहीं है, और दूसरा वास्तव में मिठाई है और ये बहुत लंबे समय तक टिकने वाला है, एफोर्डेबल भी है। जितने पैसे में एक मीडियम साइज की चॉकलेट आती है, उतने पैसे में एक पूरा डिब्बा सोन पापड़ी आता है, जितने में एक व्यक्ति का पेट भी नहीं भरता, इतने में ये पूरे परिवार का पेट भर देता है, ठीक है। तो इस तरह से इको फ्रेंडली भी है, टिकाऊ भी है, स्वादिष्ट भी है, लेकिन इसको हरा नहीं सकती थी कोई विदेशी कंपनी, तो इसको बदनाम करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसी तरह से विद्वानों के क्षेत्र में देख लीजिए, विद्वता के क्षेत्र में अपने अपने समय में जो जो भी सर्वश्रेष्ठ विद्वान हुए होंगे उनकी बदनामी उस समय लोगों ने की होगी, क्योंकि ज्ञान से वो हरा नहीं सकते थे। तो ये इस दुनिया की रीति है। अब इन्होंने भी इसी नीति का पालन किया कि अगर हरा नहीं सकते तो क्या करेंगे? निंदा करेंगे। उन लोगों ने निंदा करना शुरू किया,
उन पंडितों ने निंदा की और निंदा के साथ साथ इन्होंने चुगली की। और किससे की? दीप बंदर उस समय में पुर्तगालियों के अधिकार में था। ये जो विदेशी लुटेरे थे, मैं तो लुटेरे ही कहूंगा इसको, जिन्होंने भारत की खोज की ऐसा कहा जाता है ना, चाहे वास्को डी गामा हो, चाहे अमेरिका की खोज करने वाला कोलंबस हो। पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ लोगों को इतना घटिया इतिहास पढ़ाया जाता है। किसी ने पूछा था, मैं बहुत सुंदर उत्तर दिया, मैं तो उस बात को हमेशा याद रखता हूँ। किसी ने पूछा कि आपके हिसाब से इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में क्या कमी है, तो एक व्यक्ति ने जवाब दिया कि दो चीजों की कमी है। क्या बोलते हैं? एक एजुकेशन की कमी है, दूसरा सिस्टम की कमी है। एजुकेशन और सिस्टम दोनों खराब है, ठीक है। देखिए, अगर वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, तो सिकंदर जो आया था पोरस से लड़ने के लिए, वो कैसे आया? हमारे इतिहास को गलत तरीके से पढ़ाया गया है। उन पुर्तगाली, उन यूरोपीय लुटेरों के लिए भारत की खोज की थी। एक समय में इंग्लैंड और पुर्तगाल में आपस में बहुत बड़ा झगड़ा था, दुश्मनी थी। दुश्मनी किस बात को लेकर के? क्योंकि इनके पास में, ये लोग आजकल जो विदेशी लोग हैं वो अपनी शिक्षा का, अपनी शिक्षा की पद्धति का राग अलापते हैं। जिस समय यूरोपीय लोग अपने शरीर पर पत्ते लपेट करके चलते थे, उस समय में भारत में 1,00,000 से अधिक गुरुकुल थे। दर्जन से ज्यादा विश्वविद्यालय थे। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, इनका तो नाम सभी जानते होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे विश्वविद्यालय थे। हाँ, लेकिन हमारी कमी क्या हो गई? हम आत्ममुग्ध रहे कि हम तो बहुत बड़े ज्ञानी, हम तो विश्व गुरु हैं। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने सीखने की प्रक्रिया को आगे रखा, अपनी बुद्धि का प्रयोग वो करते रहे। तो वो लूटने के हिसाब से उन्होंने बंटवारा किया इंग्लैंड वालों ने, इंग्लैंड और पुर्तगाल वालों ने, कि इस दिशा के जितने भी समुद्री क्षेत्र हैं वो हमारे हैं, उस दिशा के तुम्हारे हैं। फिर अलग अपनी अपनी दिशा में लूटने की जगह कौन कौन सी हो सकती है, उसके विषय में ये लोग खोज करते रहते थे। और खोज करते करते वास्को डी गामा भी भारत पहुंचा था। तो जब उसने भारत की खोज की, अब समुद्र के किनारे के जो छोटे छोटे स्थान होते थे उन पर इन्होंने कब्जा किया। उस समय जो छोटे छोटे राज्य होते थे उनकी आपसी फूट का जो नतीजा ये हुआ कि इन लोगों ने, यूरोपीय लोगों ने, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल के नियम को जारी रखा। और फिर सबसे पहले दीव में इन्होंने कब्जा किया। इस समय दीव पर पुर्तगालियों का शासन था, और ये क्योंकि ईसाई और उन पंडितों ने वहाँ के जो वहाँ का जो शासक था उस किले का, उसके पास चुगली पहुँचाने के लिए एक चुगलखोर को, एक शिकायतकर्ता को बात पहुँचाई, उसको उकसाया कि जाकर के तुम कहना कि एक साधु आए हैं, वो तुम्हारे देवता की, तुम्हारे देवों की निंदा किया करते हैं। अब चुगलखोर चला गया उस अंग्रेज के पास, उस पुर्तगाली के पास। जब जा रहा था, जाते जाते दरबार में एक व्यक्ति मिला जो कि उसी के दोस्त के रूप में था, और उसने कहा कि दोस्त तुम कहाँ पर आए हो, यहाँ दरबार में क्यों आए? तो कहने लगा कि मैं तो बहुत जल्दी में हूँ, पता चला है कि कोई साधु हमारे यहाँ पर आया है दीव में, और वो देवी देवताओं की निंदा करता है, दूसरे देवों की निंदा करता है, इसलिए मैं उसकी शिकायत लेकर के जा रहा हूँ। तो उस शख्स ने कहा कि क्या तुमने अपने कान से निंदा सुनी है? कहता है नहीं। क्या तुमने अपनी आंखों से उस शख्स को देखा है, व्यक्ति को? नहीं। तो कहते हैं इसका मतलब ये कि तुम किसी और की बात को सुन करके कह रहे हो? तो बोलता है हाँ। तो उस शख्स ने कहा कि जो बात तुमने अपने कान से नहीं सुनी है, जो अपनी आंखों से नहीं देखी है, अगर तुमने जो शिकायत की वो अगर झूठी निकली, और तुम्हारी झूठी शिकायत पर इस फिरंगी ने उस साधु को दंडित किया,
अगर वो निरपराध हुए तो क्या होगा कि उनकी जो उनके हृदय से जो आह निकलेगी, पीड़ा निकलेगी, उससे तुम्हें दुखी होना पड़ेगा। इसलिए ये जो तुम काम कर रही हो, गलत काम कर रहे हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुमने सोचा है कि उस साधु की आह से तुम्हारा हाल क्या हो सकता है? अब जैसे ही ये बात सुनी, उसको लगा कि हाँ, बात तो सच है, कोई बुरा ना चाहे अपना, इस संसार में कोई भी अपना बुरा तो नहीं चाहता है। अब उसने कहा ठीक है, मैं शिकायत नहीं करूंगा। ऐसा कह करके वो लौट गया, और जिस शक्ति ने वहाँ उस मित्र के रूप में, उस शख्स के रूप में दर्शन दे करके चुगलखोर की बुद्धि को फेर दिया था, उसको समझाया था, वो भी तुरंत वहां से ओझल हो गए। अब उधर सुंदर साथ में ये बात फैल चुकी थी कि पंडितों ने किसी चुगलखोर को यहाँ के फिरंगी के पास भेजा है चुगली करने के लिए। सबने सोचा कि ये तो बहुत जालिम है, क्रूर है, इसीलिए अब सब भाग गए। दीव जो है वो बंदरगाह है, नाव में थोड़ी देर यात्रा करने पर बीच में कुछ टापू आते हैं, द्वीप आते हैं, तो कुछ लोग उस तरफ चले गए, कुछ लोग शहर में कहीं और चले गए। किसी ने कहा कि कौन जयराम भाई, हम तो नहीं जानते, कौन प्राणनाथ जी, हम तो नहीं जानते। इस तरह से सब लोग इधर उधर हो गए। अधिकांश लोग दृढ़ ईमान में कौन खड़ा रहा, कहते हैं एक जयराम खड़ा रहा, और इनके घर के लोग, इनो आपोपा दिया रहे अपने जोग। जयराम भाई और उनके परिवार के लोग जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित किया और वो अपनी मस्ती में रहे, अपने आनंद में रहे, अब ये तो दज्जाल की नजर थी। इन्होंने सुंदर साथ को अजमाया, और जब ही जैसे ही अजमाइश हुई, देखिए ईमान की पहचान कब होती है, ऐसी ही विपरीत परिस्थितियों में। अनुकूल परिस्थिति में ईमान रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम राज्य पर विश्वास रखते हैं। परिस्थिति चाहे प्रतिकूल हो जाए, जब पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए, उस समय भी ये सोचना कि भले ही पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए, वो मेरे साथ है, और अगर वो मेरे साथ है तो उतना पर्याप्त है। वास्तव में उसे ईमान कहते हैं, वास्तव में उसे विश्वास कहते हैं, और जयराम भाई ने उसी ईमान को वहां पर निभाया। अब जो लोग इधर उधर भागे थे सब वापस आते हैं थोड़े समय के बाद, और आकर के आपस में ही होता है ना कि कभी कभी अपनी शर्म को छिपाने के लिए खुद की ही हंसी उड़ानी पड़ती है, तो कहते हैं अरे हम तो वहां चले गए थे, हम तो फलाने जगह चले गए थे, हम अपने रिश्तेदार के वहां चले गए थे, हमने तो ऐसा कहा वैसा कहा। इस तरह से सबने अपनी अपनी भूल मानी श्री जी के सामने बैठ करके। अब इस तरह जागनी की लीला चलते चलते 2 वर्ष हो गया। अब श्री जी ने दिल में लिया कि सुंदर साथ को जगाना है, ब्रह्मात्माएं तो अलग अलग जगह पर आई है, और हमें एक ही बंदरगाह पर अगर 2-2 साल अगर हमने लगाए तो क्या होगा, बाकी जगह के ब्रह्मात्माओं की जागनी नहीं हो पाएगी। सुंदर साथ से विदा मांगना चाहते हैं तो वो देते नहीं है। तो इसी बीच जब श्री जी ने दिल में लिया तो राज्य की प्रेरणा से क्या हुआ, बहाना तो कोई ना कोई चाहिए, तो क्या हुआ कि दीप बंदर में अब कुछ अरबी लुटेरे आए, अपहरण करता, और उन अरबी लुटेरों ने समुद्र के किनारे कुछ लोगों का अपहरण कर लिया, और संयोग से उसमें कुछ सुंदर साथ भी आए और बाईजीराज जी भी आए। तो कुछ सुंदर साथ हैं, बाईजीराज जी हैं, और उनके अलावा भी कुछ लोग हैं जिनका उन्होंने अपहरण कर लिया है। अब श्री जी ने वहां के सब सुंदर साथ से विदा ली कि मुझे सब सुंदर साथ को छुड़ाना है, बाईजीराज जी को छुड़ाना है, और वो यहाँ से निकलने के बाद ही संभव हो पाएगा। इस तरह से सुंदर साथ से अनुमति लेकर के दीव बंदर से निकले। दीव से निकल करके नवी, पोरबंदर, पाटन पहुंचते हैं, लेकिन कहीं पर भी सुंदर साथ का कोई नामो निशान, कुछ अता पता नहीं चलता है। इस तरह से वो समुद्री लुटेरे अलग अलग जगहों पे लोगों का अपहरण करते रहते हैं। और अब श्री जी, क्योंकि वास्तव में तो उनको बंधन से छुड़ाना एक बहाना था,
अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो लगभग लगभग मेरे ख्याल से 3-4 साल तक, कम समय नहीं होता है 3-4 साल, इतने समय तक बाईजीराज जी उन अरबी लुटेरों के बंधन में नहीं होते। ये तो केवल एक बहाना था। सोचिए कि यहाँ पर तो श्री जी की बीतक बताई जा रही है, अगर अलग से बाईजीराज जी की बीतक लिखी गई होती तो उनकी परीक्षा भी कैसे हुई है। ईमान की अभी हम बात कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले, इतने लंबे समय तक अगर लुटेरों के बंधन में रहे हो डर कितना रहता होगा। लेकिन कभी इस तरह की किसी बात का कोई वर्णन नहीं किया है बीतक में, किसी भी बीतक में, कि बाईजीराज जी ने कभी शिकायत की हो। फुलबाई जी के तन में थी तब भी उन्होंने शिकायत नहीं की, अब दूसरे तन में भी उन्होंने केवल समर्पण ही समर्पण किया है। और श्री जी भी, उनका लक्ष्य केवल ब्रह्मात्माओं की जागनी करना है। भले ही उस बहाने से वो दीप बंदर से निकले, अब वहां से नवी पोरबंदर से पाटन होते हुए पहुंचते हैं कच्छ। कच्छ में थावर भाई मिलते हैं जो पहले के सुंदर साथ हैं, फिर वहां से मंडई जाते हैं जिसको मांडवी कहते हैं आज, और वहां जाकर के सुंदर साथ की जागनी करते हैं। प्रागमल है, कुंवर बाई है, जो श्री देवचंद्र जी के द्वारा चर्चा सुनने के बावजूद भी अब माया में थोड़े डूब गए थे, उनको जा करके खंडनी करते हुए फिर से जीवित करते हैं। जो माया में मर गए थे, माया में मरने का तात्पर्य जैसे मृतक को कोई सुध नहीं होती, वैसे ही अवस्था हो गई थी। इस तरह चर्चा करके सबको जीवित करते हैं और कहते हैं अब जागो, दिन आया धाम चलने का, अब परम धाम चलने का समय आ चुका है। अब कहाँ लोग खेल देखने रहोगे माहे माया, खेल देखने के लिए माया में कब तक रहोगे। ये माया तो कभी भी किसी की सगी नहीं हुई है, आज तक कोई ऐसा है जो ये कह पाए कि माया हमारी सगी है। जिन जिन रूपों में आपने माया को देखा है, हम साधारण रूप में 3 प्रकार की तृष्णा की बात करते हैं ना, लोकेष्णा, दारेष्णा, वित्तेष्णा, आज तक कोई ऐसा हुआ है जो ये कह पाए कि किसी एक को प्रतिष्ठा मिली है और वो प्रतिष्ठा उसी की होकर रह गई, ऐसा तो नहीं हुआ है। किसी भी प्रतिष्ठित पद पर कोई भी बैठा है तो उसका अहंकार लंबे समय तक नहीं टिका है। कितना भी कोई धनवान हुआ है उसका रिकॉर्ड बहुत लंबे समय तक नहीं रहा है। कितने भी अधिक सगे संबंधी वालों का मोह रहा है, लेकिन हर तरह का रिकॉर्ड इस संसार में टूटता रहता है। तो ये माया किसी की भी नहीं है। धन संपत्ति के रूप में भी देखा जाए तो कल किसी और के पास होगी, आज आपके पास है, कल किसी और के पास जाएगी। इसीलिए तो लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है, एक जगह पर नहीं टिकने वाली है। तो माया कभी भी किसी की सगी नहीं हुई है। और तुम तो चतुर प्रवीण हो, है तुम्हारा तन धाम, तिनको भूल के माया में करो कुफर काम। आप तो चतुर हैं। प्रकाश की वाणी क्या कहती है, तुम सयाने मेरे साथ जी, जिन रहो विषय रसला, पांव पकड़ कहे इंद्रावती, उठ खड़े रहो जाग। कई जगह पर सुंदर साथ को चतुर, वचिक्षण, ऐसे ऐसे शब्दों से संबोधित किया है। सयाने, ज्ञानी, समझदार। लेकिन समझदारी कब है, जब वो लक्षण दिखाए। माया को जब छोड़े तो वो समझदारी है। मान लो कि एक यहाँ पर सरिया है, रॉड है, बहुत गर्म है, और उसको ये पता चलते हुए भी कि ये गर्म है और उसको हम पकड़े रखें, हाथ जल रहा है, लेकिन इसको छोड़े ना तो इसको कोई समझदार थोड़ी कहेगा, कहेंगे कि ये तो पागल हो गया है, बोलेंगे कि नहीं। तो माया भी ऐसी है, दुखदायी नहीं है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो हम किस बात के समझदार। श्री जी उन सुंदर साथ को कह रहे हैं कि तुम तो चतुर प्रवीण हो। आगे कहते हैं, तुमको ऐसा न चाहिए जो भूलो अपनो ठौर। आपको अपना घर नहीं भूलना चाहिए, धाम लीला को छोड़ के जाए काम करो और। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि को, परम धाम की लीला छोड़कर इधर उधर का दूसरा काम नहीं करना चाहिए। तुम देखो ओ घर अपना, हमको क्या बताया श्रीराज। ये सब श्री जी की चर्चा का अंश है। कह रहे हैं कि आप उस घर को देखिए और इस बात को देख सोचिए, विचार कीजिए कि राज जी ने हमें क्या कहा था, राज जी ने हमें किस तरह से समझाया था। श्री देवचंद्र जी के तन में जब थे तो उन्होंने कैसे हमें समझाया था।
इस तरह से वहां पर एक दिन रह करके सबको माया से जीवित करते हैं, चर्चा करके समझा करके कपैया आते हैं। कपैया में हरवंश ठाकुर रहते हैं जो उनके भाई हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि ये मेरे भाई हैं तो मुझे लिहाज करना है। उन्होंने केवल सुंदर साहब की हैसियत से देखा और उनकी भी खंडनी करी परम धाम के नाते से। कहते हैं कि हरवंश ठाकुर तहां रहे अपने कबीले समेत, तहां आए बासा किया जान धाम का खेस। परम धाम का संबंध जान के चर्चा करी तिनके घरों कहे खंडनी के वचन। कैसे वचन कह रहे? खंडनी के। ये नहीं कह रहे कि भैया आप तो मान जाओ, नहीं, खंडनी तो खंडनी। उनकी दृष्टि में अब कोई लौकिक संबंध का मोल नहीं है। जिनके अंदर समर्पण है, सुंदर साथ का लक्षण है, उनके प्रति प्रेम है, और जिनके अंदर समर्पण नहीं है उनको समर्पण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो वहां से जागृत करके बिहारी जी के पास भेजा। फिर वहां से आते हैं भोजनगर, और फिर भोजनगर में वृंदावन जी से मिलते हैं। वृंदावन कौन है? हरिदास जी के पुत्र। हरिदास जी ने श्री देवचंद्र जी से तारतम्य ज्ञान ग्रहण किया था। ये मेरे विचार से जहां तक थोड़ा बहुत मेरा अध्ययन है उस दृष्टि से इतिहास की पहली घटना होगी शायद जिसमें किसी गुरु ने अपने शिष्य से किसी प्रकार की दीक्षा ली हो। जब भागवत की प्रशंसा करने वाले लोग आते हैं, तारतम्य ज्ञान की तुलना में भागवत को रखते हैं कि कई बार तो भागवत को वाणी से भी ज्यादा वरीयता देते हैं, तब मेरे मन में ये प्रश्न आता है कि यदि भागवत जागृत बुद्धि का ज्ञान होता तो हरिदास जी को अपने शिष्य से तारतम्य ज्ञान लेने की आवश्यकता क्यों पड़े? वो तो भागवत आधारित ही सेवा करते थे, वो उन्हीं कृष्ण जी की भक्ति करते थे, तो भागवत ने उनको जागृत क्यों नहीं किया? यहां ये पहली घटना है ऐसी पूरे इतिहास में। अब वृंदावन जी जो कि हरिदास जी के पुत्र हैं, श्री जी का स्वागत किया, भोजन इत्यादि किया। उसके बाद में जब चर्चा प्रारंभ हुई, श्री जी ने उनकी भी खंडनी की। खंडनी के कहे वचन सुख पाया तीन से। बड़ी बात तो यह है कि खंडनी के वचन श्री जी कह रहे हैं, लेकिन वृंदावन जी को उस बात से खुशी हो रही है। किस बात की खुशी हो रही है? जैसे कभी कभी हमें शरीर में फोड़ा हो जाता है ना, तो उस फोड़े के मवाद को अगर नहीं निकाला जाए तो अंदर ही अंदर वो घाव फैलता रहता है, कैंसर जैसा रोग पैदा हो जाता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उस पे चीरफाड़ करनी पड़ती है, उस फोड़े को फोड़ना पड़ता है। इसलिए उसका नाम फोड़ा है कि उसको फोड़ा जाए, उसके मवाद को बाहर निकाला जाए। मवाद निकालने में थोड़ा कष्ट तो होता है, लेकिन एक बार निकल जाए तो जो सुकून मिलता है ना, इसी प्रकार का सुकून एक जागरूक सुंदर साथ को खंडनी के वचन सुन करके मिलता है, बशर्ते उसके हृदय में राज्य के लिए भाव हो। अन्यथा क्या होगा? खंडनी सुन करके बेजार हो जाएंगे, अर्थात दुखी हो जाएंगे। फिर शुरू शुरू में महावजी भाई की जैसी अवस्था थी वैसे हो जाएंगे। आज अगर हमें यहाँ हम में से किसी भी सुंदर साथ की खंडनी कर दी जाए किसी भी बात पे, तो हो सकता है कि अगले दिन ना आए। और यहाँ वृंदावन श्री जी की खंडनी सुनते हैं और खंडनी सुन करके सुख होता है। फिर की चर्चा भई वचन खंडनी के, वैराग पूरा राज को सुघात बतावे। अब श्री जी के खंडनी युक्त चर्चा को सुन करके उनके मन में पूरी तरह से वैराग्य आ जाता है, और अब वो खंडनी वाले वचन भी सबको मीठे लगने लगते हैं। सबको मीठी लगी होए चर्चा जो हाल में, जो रहनी की बात होती है, जो रहनी की चर्चा होती है, वो सबको मीठी लगती है, और मन की जो मलिनता थी माया रूपी वो सारी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार भोजनगर में एक दो दिन रह करके श्री जी पहुँचते हैं नलिया। नलिया से चल करके पहुँचते हैं ठट्ठा नगर, और वहाँ पहुँच करके नाथा जोशी से मिलाप करते हैं।
जब ठट्ठा नगर पहुंचे होते हैं, ठट्ठा नगर आज के हिसाब से देखा जाए तो वर्तमान में कराची में पड़ता है। पाकिस्तान में जो कराची आता है ना, वो उस समय ठट्ठा नगर के रूप में था, शहर है। जब वहां पहुंचे, पहुंच करके नाथा जोशी का घर वो पूछ रहे होते हैं, लेकिन पूछते पूछते ये सामने ही मिल जाते हैं संयोग से, और कहते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्य हैं कि आप यहाँ पर आए हैं। इस प्रकार श्री जी ठट्ठा नगर पहुंचे, 10-12 दिन तक रुकते हैं। इस बीच चर्चा तो होती रहती है, पर कोई विशेष घटना का वर्णन नहीं है। 10-12 दिन तक ठट्ठा नगर रहने के बाद अब आगे आते हैं लाठी बंदर। लाठी बंदर में विश्वनाथ भट्ट मिलते हैं। वहां पर बाहरी पहचान से, केवल मिहिर राज जी वाले पहचान से आदर सम्मान करते हैं, और उसके बाद लाठी बंदर से नाव पर चढ़कर के श्री जी आगे निकलते हैं। लेकिन होता क्या है, एक बात कही जाती है ना कि मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है। अब मूल स्वरूप राजी ने कुछ और मन में लिया है, मिहिर राज जी का जीव कहीं और जाना चाहता है जीव की बुद्धि से, लेकिन राजी ने कुछ और लिया हुआ है कि अभी ठट्ठा नगर में और सुंदर साथ की जागनी होनी बाकी है। कार्य कारण बनाने वाले तो राजी ही है। मिहिर राज जी का कभी जीव प्रयास करता है, आत्मा देख रही है, जीव आत्म भाव से सब प्रयास करता है कि मुझे ब्रह्म सृष्टियों की जागरी करनी है। तो यहाँ 17 दिन तक नाव में बैठे हैं, लेकिन हवा उल्टी चलती है। हमने पिछले कुछ दिनों पहले भी चर्चा सुनी थी कि जब खेता भाई के काम के लिए अरब जाते हैं तब भी, कि उस समय इंजन वाले जहाज नहीं होते थे, तो हवा के आधार पर ही चलना होता था। अगर हवा उल्टी चली तो वापस पहुंच गए। तो ठट्ठा लाठी बंदर से जो चले हैं, 17 दिन तक तूफान आया, जहाज जहां से चली थी वापस वहीं पर आ गई। तो श्री जी ने सोचा कि ये मूल स्वरूप राज जी की शायद यही आज्ञा है। अब लाठी बंदर से वापस ठट्ठा नगर आए, नाथा जोशी से मुलाकात की, बंधन भाई से मिले, फिर वहां पर जिंदा दास, ठकुरी बाई, ये सब मिले, और श्रीजी से चर्चा सुन करके सुंदर साथ में शामिल होते हैं। अब इस प्रकार धीरे धीरे करके श्रीजी की चर्चा बढ़ती जाती है, नए नए लोग आते रहते हैं, और पूरे शहर में ये बात फैल जाती है कि एक कोई साधु आए हैं। और जो भी श्री जी की चर्चा सुनने आते हैं या दर्शन करने आते हैं, साधु का, नए साधु का नाम सुन करके, तो पहले तो दर्शन के लिए आते हैं, चर्चा सुनते हैं और परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि ये परमात्मा आपकी कृपा से हमें ये चर्चा सुनने को मिली। अब वहां श्री जी ने एक बात सुनी कि ठट्ठा नगर में एक साधु रहते हैं जिनका नाम है चिंतामणि, कबीर पंथ के हैं, और श्री जी ने सोचा कि एक बार उनसे मिला जाए, मुलाकात की जाए, देखा जाए कि वो क्या करते हैं, कैसी चर्चा करते हैं। श्री जी उनके पास गए, मुलाकात की उनके घर में जाकर के, और जब मुलाकात की, थोड़ी बात हुई, तो चिंतामणि जी कहते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, हमसे आप बात कीजिए, अगर आप हमें कुछ देने आए हैं, सुनाने आए हैं तो भी सुनाइए, और हमसे कुछ लेने आए हैं तो हम आपको देते हैं। देखिए ये व्यवहारिकता है, हमारे सुंदर साथ को ये व्यवहारिकता सीखने की आवश्यकता है। उनके पास तारतम्य ज्ञान अभी नहीं है, लेकिन फिर भी व्यवहारिकता है। हमारे यहाँ तो केवल सुनाने सुनाने की परंपरा है, सुनने की परंपरा नहीं है। ये बात मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ। एक बार, आज से लगभग 7-8 साल पहले की घटना है, हम लोग दिल्ली में थे, कोई कार्यक्रम था वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के तरफ से, अलग अलग पंडाल लगे हुए थे, तो वहाँ ब्रह्म कुमारी मत के कुछ साध्वियाँ आई और बात करने लग गए। वो अपने ध्यान की प्रक्रिया के बारे में बात कर रही थी। अब ध्यान की प्रक्रिया में देखिए, प्रारंभ में तो सभी सब कुछ तो एक जैसा ही है,
सभी के मत में, क्योंकि सब लोग शुरू में तो आसन लगा करके ही बैठेंगे, ऐसा तो नहीं है कि किसी संप्रदाय में शीर्षासन में ध्यान किया जाता होगा, है कॉमन जो आसन होते वो एक जैसे होंगे। फिर मन को एकाग्र करने के लिए प्राणायाम इत्यादि की बात की जाती है, शुद्ध आहार की। तो वो कुछ बात बता रहे थे, मैं शांति से सुन रहा था। हमारे कुछ सुंदर साथ हैं, वो आकर वो मेरे पास आके कहते हैं कि आप चुपचाप क्यों सुन रहे हैं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं, आप सुनाइए ना, आप अपनी बात भी तो बताइए। मैंने उनको कहा कि शांत हो जाइए पहले, पूरी बात उनकी सुनी, थोड़ी देर जो भी बात हुई उसके बाद जब वो लोग चले गए तो मैंने उन सुंदर साथ को समझाया। मैंने कहा कि हमेशा बोलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सुनना भी पड़ता है, और किसी की भी बात को तब काटा जाए ना जब वो गलत हो। सिर्फ इस बात को लेकर के कि फलाना व्यक्ति दूसरी विचारधारा का है, दूसरी संप्रदाय का है, तो उसकी सत्य बात को भी काटना ये धर्म थोड़ी है। सत्य तो सत्य ही रहेगा ना, चाहे कोई भी उसका पालन कर रहा हो। तो उनको उस समय तो समझ में आया, लेकिन अब आदत ही बदली है कि नहीं बदली वो तो राजी जाने का है। तो हमारे संप्रदाय में सुनाने की परंपरा थोड़ी ज्यादा है, लेकिन चिंतामणि जी उन्होंने दोनों विकल्प रखे। श्री जी को कहते हैं कि अगर आप मुझसे कुछ सुनना चाहते हैं तो आप कहिए, और अगर आप कुछ ज्यादा आता है तो आप हमें सुनाइए, देने आए हो तो आप दीजिए, लेने आए हो तो आप हमसे लीजिए, अगर आप चाहें तो मैं आपको चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन साक्षात्कार भी करा सकता हूँ, ज्योति स्वरूप का, शेष साई का, झिलमिल ज्योति का, अनहद बाजों का मैं आपको अपने योग से अनुभव करा सकता हूँ, और नहीं तो आप कुछ दिखाइए हमें। श्री जी ने कहा कि हम आपसे लेने आए हैं, हम आपसे कुछ सुनने आए हैं, और जो कुछ भी आप कहेंगे हम उसको सुनेंगे। तब संयोग से एक साखी पर चर्चा हुई, और वह साखी थी कमाल की साखी। कमाल जो कबीर जी के पुत्र माने जाते हैं, इस विषय में अलग अलग तरह की विचारधारा है। खैर, सत्य कुछ भी हो इससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है मूल विषय वस्तु पर। कुछ लोग कहते हैं कि वास्तव में कबीर जी विवाहित थे और ये उनके पुत्र हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इन्हें मिला था, कमाल और कमाली दो बच्चे मिले थे और कबीर जी ने उनका पालन किया था। खैर जो भी रहा, इससे क्या फर्क पड़ेगा। बात तो मूल बात तो यह है कि उनकी साखी पर चर्चा हुई है। तो साखी कौन सी थी, कह रहे हैं कि कहया कौड़ी ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल, आधा भक्त कबीर है पूरा भक्त कमाल। कौड़ी क्या है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है ऐसा। हीरा बहुत महंगा है, और लाल उसकी भी कोई कीमत नहीं है, पर दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। कौड़ी की कीमत नहीं, इसका तात्पर्य यह है कि उसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन लाल की कीमत नहीं है इसका तात्पर्य यह है कि उसकी कीमत कोई लगा ही नहीं सकता है, उसका कोई मूल्यांकन कर ही नहीं सकता है, वो इतना महंगा है। अब एक प्रसंग आता है इस साखी के संदर्भ में। कहा जाता है कि ये कथा प्रचलित है, ऐसा कहा जाता है कि कमाल किसी पाठशाला पर पढ़ने जाया करते थे। वहां पर उनकी मित्रता एक राजकुमार से हुई, वहां का जो स्थानीय राजकुमार होगा। अब पाठशाला में तो अमीर गरीब नहीं देखा जाता है, सबके वस्त्र एक जैसे होते हैं, वेशभूषा से पता नहीं चलता है, मित्रता हो गई। और वैसे भी बच्चे अमीर गरीब का ख्याल मन में नहीं रखते, हाँ बड़े लोग उनके दिमाग में डाल देते हैं कि देखो तुम फलाने लोगों से बात मत करना, ऐसे लोगों से दूर रहना, इस तरह से बड़े लोग डालते हैं। बच्चे तो भगवान का रूप कहते हैं ना, तो वास्तव में भगवान का रूप होते हैं, उनको पता ही नहीं कि अमीर क्या होता है, गरीब क्या होता है, न उनको जाति का भेद पता है, न उनको गोरे काले का भेद पता है, न उनको अमीर गरीब का किसी भी चीज का भी भेद पता नहीं होता है।
उनके लिए तो जैसे भगवान के लिए सभी बराबर हैं, वैसे उनके लिए भी सब बराबर हैं। वास्तव में इसलिए वो भगवान का रूप है, बच्चे। तो वहां पर अब राजकुमार और कमाल में मित्रता हुई। एक दिन राजकुमार ने कहा कि हम लोग वन जाने वाले हैं शिकार के लिए, तुम भी चलो मेरे साथ। तो कमाल ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास घोड़े हैं ना कुछ है, पूरी बात बताई। तो राजकुमार को लगा कि मेरा मित्र कैसे गरीब रहे, और एक मित्र होकर के मित्र के कष्ट को हरना तो मेरा कर्तव्य है। उन्होंने क्या किया कि अपने अधिकार का प्रयोग करके कमाल के घर में, यानी कि कबीर जी के घर पर धन पहुंचा दिया, सोने चांदी के सिक्के इत्यादि पहुंचा दिए गए। अब उस समय कबीर जी घर पर नहीं थे। संध्या समय में जब कबीर जी वापस आते हैं घर पर, तो उन्होंने देखा कि ये तो अनुचित धन घर पर है और अनावश्यक भी। दो बातें हैं, एक अनावश्यक, दूसरा अनुचित। कबीर जी ये मानते थे अगर उस सिद्धांत को सभी लोग मान जाएं तो शायद अंदर से प्रसन्न रहेंगे। वो कहते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कितना चाहिए धन, कितना चाहिए कि जिसमें परिवार का भरण पोषण हो सके, मैं भी भूखा ना रहूं और कोई घर पे दरवाजे पर साधु आ जाए तो वो भी भूखा ना रहे। इस तरह से संतोषम परमम सुखम के सिद्धांत को मानने वाले, अपरिग्रह के सिद्धांत को मानने वाले थे कबीर जी। और उनके बारे में कहा जाता है कि वो जुलाहे का काम करते थे और उससे जो कुछ भी मिलता था उसी से अपना गुजारा चलाते थे। और जो ये कहता हो कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, उसके घर में अगर अनुचित धन आ जाए बिना अपने परिश्रम के, तो उसको बेचारे वो कैसे स्वीकार करते। उन्होंने अपने घर वालों से कहा कि इस धन को फिंकवा दो। अब फिंकवाने से अच्छा है कि बांट दो। अब पहले तो कोई मान नहीं रहे थे। कबीर जी ने कहा कि या तो इस घर में मैं रहूंगा या फिर ये संपत्ति रहेगी। अब बेचारे क्या करते, लालच तो होगा ही, मोह तो होगा ही, लेकिन मैं इस बात पर उन परिवार के लोगों की प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने कबीर जी को चुना। अगर आज का परिवार होता तो बोलता कि जाइए हम देख लेंगे आपके बिना, गुजारा कर लेंगे। कल ही मैं एक बहन से बात कर रहा था फोन पे, उसका फोन आया था, वो बता रही थी कि दिल्ली में वो रहती है। तो कह रही थी कि जिस गली में वो रहती है वहां पर एक बेटे ने अपनी पत्नी और माँ के साथ मिलकर के अपने पिता की हत्या कर दी। मतलब जिसकी हत्या हुई उसकी पत्नी, बेटे और बहू ने मिलकर के उसको मारा जान से रात के 3 बजे। किस बात को लेकर के? प्रॉपर्टी को लेकर के, संपत्ति को लेकर के। तो आज की दुनिया तो ऐसी है, लेकिन कमाल ने कम से कम ये नहीं कहा कि हमें, मुझे धन चाहिए। अगर आज की तरह होता तो या तो वो बोलता कि आप बाहर रहो कोई बात नहीं, या तो बोलता कि कोई नहीं आप घर पे रहो, हम धन के साथ, हम संपत्ति के साथ अलग हो जाते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। रिश्तों की इज्जत थी, रिश्तों का सम्मान था, संबंधों का। तो उन्होंने क्या किया कि फेंकने से अच्छा यह है कि बांट दिया जाए कम से कम। फिर अब हुआ क्या कि लोगों को बुलाया गया धन बांटने के लिए। तो बांट कौन रहा है? कमाल। आदेश है कबीर जी का। दुनिया क्या देखती है? दुनिया देखती है रिजल्ट, एफर्ट नहीं देखती है। दुनिया ने तो परिणाम देखा कि हमें धन मिल रहा है, देख कौन रहा है? कमाल, बाकी क्या लेना देना। उनको लगा कि कबीर जी कितने लालची हैं, गरीब होने का दिखावा करते हैं और अपने पास इतना धन रखा हुआ है। और कमाल देखो कैसा है कि
ये धन जो है वो हम गरीबों में बांट रहा है। तो कबीर जी तो केवल दिखावे के भक्त हैं, आधे भक्त हैं, पूरा भक्त कौन है? कमाल है। जबकि वास्तविकता क्या थी कि कबीर जी पूरे भक्त हैं और कमाल आधा भक्त है। और इस साखी का अर्थ क्या है? इस साखी का अर्थ यह है कि आधा भक्त कबीर है का भाव है कि कबीर जी माया के आधे भक्त हैं। माया के आधे भक्त होने का तात्पर्य उनकी सुरता हमेशा अखंड में है लेकिन शरीर उनका कहां पर है? माया में। इसलिए वो माया के आधे भक्त हो गए। कमाल शरीर भी माया में है और सुरता भी उसकी माया में, चित्त वृत्ति भी उसकी माया में लगी रहती, इसलिए कमाल माया का पूरा भक्त है। पर ये बात हर कोई नहीं समझ पाता है। जब कबीर जी को आधा भक्त और कमाल को पूरा भक्त कहा तो श्री जी ने कहा कि तब श्री जी ने कहा, क्या तुम क्या जानो कबीर, तुम जो आधा भक्त इनको कहया, जो चित नाही तुम धीर। आपके चित्त में धैर्य नहीं है। धैर्य न होने का तात्पर्य, जिसमें धैर्य नहीं होता है वो गंभीर चिंतन नहीं कर सकता है। आपने गंभीर चिंतन नहीं किया है इसलिए आप कबीर जी को आधा भक्त कह रहे हो। कहां मजल कबीर की केती अकल कमाल, तौल देखो तिनको किनका कैसा हाल। कबीर जी की पहुंच कहां तक है? कबीर जी को अक्षर की पंचवासना कहा जाता है। 108 पक्ष में 83वां पक्ष कबीर जी का है। जो कबीर जी प्रेम लक्षणा भक्ति का संकेत दें, जो कबीर जी ये कहें कि परमधाम के विषय में संकेत करते हुए कि जा घर में अबला बसे बहे प्रेम के पूर, जहां ब्रह्म सृष्टियां रहती हैं, जहां प्रेम की लीला होती रहती है, जो अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण अव्याकृत सबली केवल सत्स्वरूप के विषय में कहें कि 16 खंड अक्षर भगवाना, जो प्रेममय चितवनी विरह के बारे में कहें कि बरसे कमल भीगे पानी, तो ऐसे कबीर जी को आधा भक्त कहना किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। तो श्री जी ने कहा कि तौल देखो दोनों को, आप दोनों में कम से कम तुलना तो करके देखो कि दोनों की रहनी कैसी है। बिन पहचाने बोलत ना ही तुम सर्राफ। सर्राफ किसको कहते हैं? सर्राफ कहते हैं जौहरी को। जौहरी किसको कहते हैं? जो सोना चांदी हीरा इत्यादि जवाहरात को परखता हो। जौहरी क्यों कहा गया? क्योंकि ऊपर हीरा लाल इत्यादि का उदाहरण दिया था ना, इसलिए श्री जी ने कहा कि तुम अच्छे सर्राफ नहीं हो, क्योंकि तुम तो पहचान ही नहीं पाए कि इनमें हीरा कौन है, लाल कौन है, कौड़ी कौन है। तुम तो लाल को हीरा कह रहे हो, हीरा को कौड़ी कह रहे हो, इसलिए तुम में पहचान नहीं है। कहां कबीर कहां कमाल, कबीर जी की पहुंच कहां तक की है और कमाल कहां की है। इस तरह से जब पहले पहचान कराई कबीर जी और कमाल की, और उसके बाद श्री जी ने एक कबीर जी की ही साखी कही, साखी पर चर्चा की कि एक पलकते गंग जो निकसी हो गई चहुदिश पानी, उही पानी दो पर्वत ढांपे दरिया लहर समानी। उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी बोलत अमृत बानी, वह मक्खी का मक्खा नाही बिन पानी गर्भानी। तीन गर्भे गुण तीनों जाए वह तो पुरुष अकेला, कहे कबीर या पद को बुझे सो सतगुरु में चेला। इसका भाव श्री जी ने बताया, ये इसका भाव क्या है, इसमें बहुत ही गहरा रहस्य छिपा हुआ है। एक पलक ते गंग जो निकसी हो गई चहुदिश पानी, एक पलक है राज्य जो कि चित घन स्वरूप है, उनके अंदर से गंगा कौन सी प्रकट हुई? हुकम रूपी इच्छा रूपी माया का खेल दिखाने की। और खेल क्यों दिखाना है? अपने इश्क के, अपने प्रेम के स्वरूप की पहचान कराने के लिए, जिससे चारों तरफ पानी पानी हो गया। पानी पानी अर्थात फरामोशी का पर्दा छाया, और उस फरामोशी रूपी पानी में दोनों पर्वत सत अंग और आनंद अंग दोनों पर्वत ढक गए। और आगे कहते हैं उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी बोलत अमृत वाणी। मक्खी कौन है? हुकम रूपी मक्खी है जो कि इस संसार रूपी तरुवर, तरुवर कहते हैं वृक्ष को,
इस संसार को वृक्ष कैसे कहा गया, आप अनेक धर्म ग्रंथों में पढ़ेंगे। इस संसार को उल्टा वृक्ष कहा गया है। वाणी कहती है ना कि पेड़ काली किन देखी नहीं, सब छाया में रही उर जाए। ये संसार रूपी पेड़ की बात की गई है। वाणी कहती है वैराट का फेर उल्टा, मूल है आकाश, डारे पसरी पाताल में, यों कहे वेद प्रकाश। और गीता इसको क्या कहती है, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थ प्राहु अव्ययम। तो ये ऐसा वृक्ष है और इस संसार रूपी वृक्ष में कौन आया है, परमात्मा के हुक्म रूपी मक्खी, हुक्म की शक्ति। और उस हुक्म रूपी शक्ति ने अमृत वाणी बोला है। अमृत वाणी क्या है, धर्म ग्रंथों में, विभिन्न धर्म ग्रंथों में परब्रह्म के धाम स्वरूप लीला तथा उसके प्रकटन के संदर्भ में जो साक्षियां बताई गई है वो है अमृत वाणी। और वह मक्खी का मक्खा नहीं बिन पानी गर्भानी, वह जो हुक्म रूपी मक्खी है उसका कोई मालिक नहीं है, क्योंकि हुक्म किसका, परब्रह्म का, तो परब्रह्म का मालिक कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और उसने जिस संसार में प्रवेश किया है वो कैसा गर्भ है, बिन पानी का, इसको हिरण्य गर्भ कहा जाता है इस संसार को। और इस हिरण्य गर्भ में तीन गर्भे गुण तीनों जाए, इस हिरण्य गर्भ से तीन गुणों की उत्पत्ति हुई है। तीन गुण कौन से, सत्व रज और तम। उस सत्व रज और तम से क्या होता है, प्रकृति की उत्पत्ति होती है। प्रकृति से फिर महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं और पंच तन्मात्राओं से पांच तत्वों की उत्पत्ति होती है। और फिर इस प्रकार सृष्टि की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो इस एक कबीर जी के कीर्तन में पूरे सृष्टि को संक्षेप में बताया और कहते हैं तीन गर्भे गुण तीनों जाए, वह तो पुरुष अकेला, लेकिन जो पुरुष है परब्रह्म, जो उत्तम, जिसको उत्तम पुरुष कहा गया है, वो अलग है इन सब से, अकेला है, एक है। कबीर जी कहते हैं जो इस पद को बूझेगा, कहे कबीर या पद को बूझे, जो इस पद के रहस्य को, अर्थ को समझेगा, सो सतगुरु मैं चेला, वो मेरा भी सतगुरु होगा और मैं उनका शिष्य रहूंगा। कबीरपंथी जो कबीर जी को सतगुरु कहते हैं, कबीर जी ने कहा जो इस पद के रहस्य को समझेगा वो मेरा भी सतगुरु होगा। इस प्रकार जब इस साखी पर चर्चा हुई तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, चिंतामणि जी ने, कि देखो हमारे गुरुओं ने जो भविष्यवाणी की थी वो भविष्यवाणी जिस व्यक्ति के विषय में थी, जिस शख्सियत के विषय में, वो शख्स अब आ चुके हैं। मैं तो आपसे पहले भी कह रहा था, मैंने मेरे शिष्यों से पहले भी कहा था और वो शख्स अब यहाँ पहुंच चुके हैं। इस तरह से श्री जी के लिए उन्होंने जब संकेत किया, अब इतनी चर्चा करके श्री जी साहब उठे, जहाँ वो ठहरे हुए थे उनके घर पर गए और जा करके सुंदर साथ के बीच में आज की चर्चा की चर्चा की कि किस तरह से चिंतामणि से मुलाकात हुई। उसके बाद अब कुछ दिन के बाद श्री जी पुनः ठट्ठा नगर में ही एक और पंडित के वहां जाते हैं, उनका नाम है कल्लू मिश्र। उनसे चर्चा करते हैं एक दिन, लेकिन उनके मन में वो भावना नहीं होती है, इसलिए चर्चा तो सुनते हैं पर वो ईमान नहीं आ पाता है। इस तरह विक्रम संवत 1724 में ये ठट्ठा नगर की घटना है। 22 में दीप बंदर पहुंचे हैं, 2 साल रुकने के बाद 24 में ठट्ठा नगर, और उसी ठट्ठा नगर की घटना का आगे वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं चिंतामण ढूंढत फिरे, कहाँ है उन साध का ठौर। जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होगी उसकी अवस्था कैसे होगी, अगर उसको परम धाम की वाणी का एक बूंद मिल जाए तो वो सागर के लिए लालायित रहेगी। अब चिंतामणि जी श्री जी के स्थान को खोजते रहते हैं, कल्लू मिश्र के घर पहुंचते हैं। कल्लू मिश्र ने बताया कि वो नाथा जोशी के घर पर ठहरे हैं, तो वहां से पता लेकर के नाथा जोशी के घर पर पहुंचते हैं, जहां श्री जी अटारी पर बैठे हुए थे। अटारी कहते हैं बरामदे को। तो अटारी पर बैठ करके सुंदर साथ के साथ चर्चा कर रहे थे। इस बीच चिंतामणि जी ने आकर के श्री जी के चरणों में प्रणाम किया और फिर श्री जी की चर्चा सुनी। अब चर्चा में जब चिंतामणि जी बैठे हुए हैं
तो उनके जो संप्रदाय के लोग थे, शिष्यों की जो मंडली थी और बाकी कबीरपंथी थे, उनके बीच में खलबली मच गई। क्योंकि साधारण रूप से एक सामान्य जो अनुयायी भी होता है वो किसी दूसरे संप्रदाय में चर्चा सुनने जाता है तो उसको कुछ ना कुछ झेलना पड़ता है। यहाँ तो सीधे उस संप्रदाय के गुरु थे जिनके हजार शिष्य थे साथ में चलने वाले, बाकी तो गृहस्थी तो बहुत सारे शिष्य होंगे। तो जब वो किसी दूसरे के पास चर्चा सुनने जा रहे हैं तो लोगों में ये बात बहुत जल्दी फैली। अब शिष्यों के बीच में खलबली मच गई। एक दिन इस तरह से चर्चा सुनते सुनते एक दिन, दो दिन, तीन दिन, जब दो चार दिन हुआ तो जो शिष्य कुछ नकारात्मक थे वो भी श्री जी के चरणों में आए, उन्होंने भी श्री जी पर विश्वास लाया, श्री जी के स्वरूप की पहचान की। और एक दिन क्या हुआ कि सुंदर साथ के बीच में श्री जी ने थोड़ी सी चिंतामणि जी की खंडनी कर दी। उस खंडनी को सुनकर अकेले में जाकर के चिंतामणि जी ने कहा कि श्री जी साहब, मेरी थोड़ी सी इज्जत है शिष्यों के बीच में, आपको कुछ भी कहना है कुछ भी कह सकते हैं, मैं आप पर समर्पित हूं, पर आप कृपया मेरे शिष्यों से हट करके कुछ कह दीजिएगा। देखिए, हम जब इस विषय में बात करते हैं तो हमें थोड़ी सी हंसी तो आती है, लेकिन वास्तव में तो हंसी के पात्र हम हैं। चिंतामणि जी को तो उस पद पर थे तब जाकर के ये भाव आया, वो भी कोई ऐसे अहंकार में उन्होंने नहीं कहा, ना गुस्से में कहा, केवल विनती की श्री जी के सामने। हमारी तो वो हैसियत भी नहीं है, और उसके बावजूद भी अगर हमारी खंडनी हो जाए, मान लीजिए उदाहरण के लिए कि वार्षिकोत्सव चल रहा हो और स्वामी जी मंच पर से, वैसे तो वो कभी नहीं करेंगे, फिर भी अगर मंच पर से स्वामी जी कुछ कह दें तो क्या हम चिंतामणि जी की तरह प्रेम पूर्वक स्वामी जी से निवेदन कर पाएंगे? अरे उतनी तो बात छोड़ दीजिए, हम ज्ञानपीठ के विद्यार्थी हैं और हम आपस में ही अगर कोई बात हो, स्वामी जी सबके सामने अगर हमारा नाम लेकर के कुछ कहें कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तो डांटते भी नहीं है, वो सिर्फ इतना कहते हैं कि आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आगे से आप ध्यान रखिएगा, बस इतना ही कहते हैं, उससे ज्यादा तो कुछ कहते ही नहीं। लेकिन हमसे उतना भी बर्दाश्त नहीं होता है। चिंतामणि जी तो हजार शिष्यों के गुरु थे किसी समय, अभी भी हैं, और श्री जी से वो निवेदन कर रहे हैं, तो वो भी एकांत में कि श्री जी आप मेरी सी थोड़ी लाज रख दीजिएगा, बस बहुत प्रेम से। ये उनकी महानता है, ये उनकी विनम्रता है, और वही विनम्रता वही महानता उन्हें आगे लेकर के जाती है। अब श्री जी भी कहते हैं कि ठीक है, अवश्य अब जो कुछ भी कहूंगा मैं वो पर्दे में कहूंगा, ओट देकर के कहूंगा, मैं कहूंगा मुझे पता चलेगा, तुम सुनोगे तुम्हें पता चलेगा, और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं किसके लिए कह रहा हूं। अब इसके बाद चिंतामणि जी चले गए। रात को एक कीर्तन अवतरित होता है, सुनो रे सत के बंजारे एक बात कहूं समझाई, या फंद बाजी रची माया की तामे सब कोई रहा उर्जाए। हे सत्य के व्यापारियों, व्यापारी कौन है? व्यापार तो वही कर सकता है ना जिसके पास वस्तु हो। सत्य के व्यापारी का मतलब सत्य के मार्ग पर चलने वाले। तो आपको मैं एक बात समझा रहा हूं कि माया ने ऐसा फंदा रच रखा है, ऐसी गांठें बना रखी है, ऐसा जाल बना रखा है कि कोई बच नहीं पाता। हमारे गुरु जी कहा करते थे कि काजल की काली कोठरी में काहू सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। समझ लीजिए कि ये जो लाइब्रेरी है जहां पर हम सब बैठे हुए हैं, अगर सीढ़ियों से लेकर के दरवाजे के चौखट से लेकर के उसके उसका जो हत्था है, नीचे जो फर्श है, खंबे हैं, खिड़कियां हैं, ये सब अगर काजल की बनी हो, छत से लेकर के सब कुछ, तो चाहे कितना भी चतुर व्यक्ति हो, यदि ऐसे कमरे में प्रवेश कर जाए जो काजल से बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं एक दाग तो लग ही जाएगा ना। तो माया भी ऐसी ही है,
एक तरफ से बचने की कोशिश करेंगे दूसरी तरफ लग जाएगी। इसने अपने हथियार इस तरह से फैला करके रखे हैं सभी दिशाओं में कि किसी न किसी हथियार में कोई ना कोई फंसी जाता है। वाणी कहती है ना, एहना आयुध अमृत रूप रस छल बल बल अकल अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपल, किसी न किसी में फंस जाते हैं। लोकेशना दारेशना वित्तेशना की बात करते हैं किसी न किसी में फंस जाते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध की बात करते हैं किसी न किसी एक में फंस जाते हैं। तो तामे सब कोई रहा उड़ जाए, हर कोई इसमें उलझ जाता है। और कौन उलझता है? कहते हैं सुख सनकादिक ने नवटली, लक्ष्मी नारायण ने फरीवली, विष्णु वैकुंठ लिधा माहे, सागर शिखर न मुख्या क्या है। ए ऊपर हवे सू कहूँ बीजा नाम ते कहना लहूँ, एणे वचने सर्वालो थयो ब्रह्मांड धन सर्वे आव्यो। माया ने सबको दबोचे रखा है, किसी को नहीं छोड़ा है इसने। कबीर जी क्या कहते हैं कि ये संसार दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। दो पाट समझते हैं किस चीज के? दो पाट चक्की, चक्की समझते हैं जिसमें मक्का वक्का पीसा जाता है ऐसे घुमा घुमा करके। एक नीचे का पाट हो गया, एक ऊपर का। दो पाटन है, एक धरती एक आकाश। जो कोई भी व्यक्ति इस धरती और आसमान के बीच में पैदा होता है वो माया से नहीं बच पाता है। बचेगा तो कौन बचेगा? जो उसके मूल में सेंटर में रहता है ना, वही बचता है। जो उस के जितने निकट रहता है वो बचता है। इस सृष्टि का भी सेंटर है वो ब्रह्म। जो परमात्मा के जितने नजदीक रहता है वो माया से उतना ही बचता है। अब क्या कहते हैं कि तामे सब कोई रहा उड़ जाई, आटी आन के फांसी लगाई, वे भी उल्टी ये दई उल्टाई। सभी को माया ने कैसे फांसी में लटका रखा है? सीधी फांसी नहीं। सीधी फांसी में क्या होगा? लटकेगा, झटकेगा, मरेगा। उल्टी फांसी में क्या होगा? लटका रहेगा और धीरे धीरे करके मरेगा। सोचो कि उल्टा किसी को लटकाया जाए क्या होगा? धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन उसका सिर की तरफ चढ़ेगा और धीरे धीरे बेहोशी छाएगी और तड़पते हुए वो मरेगा। माया भी ऐसी ही है, क्योंकि कोई एक झटके में नहीं मर रहा है। कैसे मर रहा है? धीरे धीरे करके मर रहा है। और क्योंकि लटका रखा है उल्टा, तो इसलिए इस बंधन से छूट भी नहीं रहा है। तो ये माया कुछ इस तरह की है। और कैसी है? इस प्रकरण की जो भी चौपाइयां हैं वो सभी चौपाइयां अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे लोगों के लिए, जो धर्म के मार्ग पर अनुयायी बताते हैं स्वयं को, उन सबके लिए है। क्या कहते हैं कि एक आग जो छोटी बुझाई त्यों दूजी मोटी लगाई। जो साधु सन्यासी या संत बनते हैं, आप सबने तो क्या किया है? एक छोटी आग को बुझाया है पर मोटी आग लगाई है। मोटी आग का तात्पर्य क्या है? देखिए, पहले छोटी आग समझते हैं। तीन प्रकार की तृष्णा की हमने बात की, लोकेशना दारेशना और वित्तेशना। लोकेशना मतलब पद, वित्तेशना धन और दारेशना सगे संबंधी। जब एक व्यक्ति साधु बनता है तो ये तीनों चीजों को छोड़ देता है। अगर संसार का कोई पद होगा वो भी छूट जाएगा, धन संपत्ति होगा वो भी छूट जाएगा और सगे संबंधी भी छूट जाएंगे। लेकिन सन्यासी बनने के बाद अब आप अपने नाम के आगे पद चाहते हो और उस पद के लिए आप प्रयास करते हो। अपने नाम के आगे श्री 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 108 1008 अनंत श्री विभूषित फलाना ढिमका, पता नहीं कौन कौन से पद लगाते हैं। तो ये कौन सी आग है? ये बड़ी आग है। इसी तरह से आपने 40-50 हजार की 1-1.5 लाख की नौकरी छोड़ी, लेकिन आप यदि अपने शिष्यों से चढ़ावे की आस रखते हो या शिष्यों के द्वारा प्राप्त दान को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हो तो वो क्या हो गया? बड़ी आग। इसी तरह से आपने 5 लोगों के 10 लोगों के परिवार को छोड़ा, लेकिन शिष्यों की जमात को आप ये सोचते हो कि ये मेरा परिवार है, मैं इस परिवार का मुखिया हूँ और मेरे परिवार के लोग दूसरे परिवार में नहीं जाने चाहिए, मतलब ये किसी दूसरे गुरु के पास न जाएं। तो ये क्या हो गया? बढ़िया। इस तरह से ये जो प्रकरण है उस प्रकरण का अवतरण होता है, जिसका संक्षिप्त में सार मैंने आपको बताया। अब सुबह क्या हुआ?
कि चिंतामणि जी पुनः आते हैं श्री जी के पास, तो ये कीर्तन वो सुनते हैं। इस कीर्तन को जैसे ही वो पढ़ते हैं, चिंतामणि जी को लगता है कि ये तो बात मेरे ही लिए है। उन्हें पूरी पहचान हो जाती है, क्योंकि उस चौपाई में, उस प्रकरण में एक बात आती है कि महामति कहे सावचेत होइयो, मिल्या है अंकुर आई, झूठी छूटे साची पाइये, सतगुरु लीजे रिझाई। इससे पहले क्या था कि लोक लाज मर्यादा छोड़ी तब ज्ञान पदवी पाई। वो सोचते हैं कि हाँ, मैंने भी तो ये छोड़ा है, लोक लाज मर्यादा को छोड़ा, मैं ज्ञानी बना, ज्ञानी की पदवी भी मिली, लेकिन छोटी आग को बुझा करके मैंने बड़ी आग लगाई। अब ये समय है कि सावचेत होने का, परमधाम के संबंध के कारण सदगुरु की प्राप्ति हुई है, अब मुझे क्या करना है, झूठ को छोड़ना है, सत्य को पाना है और सतगुरु को रिझाना है। झूठी छूटे सांची पाइए, सतगुरु लीजे रिझाए। उन्हें पूरी बात समझ में आती है, सब अपने ऊपर लेते हैं और क्या कहते हैं श्री जी के सामने कि अब मारो काले कुत्ते को लाठी सिर ऊपर, सेवको आगे तब कया मैं खाली कछुना खबर। अपने हजार शिष्यों के सामने कहते हैं कि शिष्यों तुम मुझे ज्ञानी समझते होंगे पर मैं खाली हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। श्री जी को कहते हैं कि श्री जी साहेब आप अपने ज्ञान रूपी लाठी से मेरे अंदर के अज्ञानता और अहंकार रूपी कुत्ते को मार डाली, और इस बात को स्वीकार करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ होगा छठे दिन की लीला में जिन्होंने इस तरह से स्वीकार किया हो, और जिन्होंने स्वीकार किया वो फिर उस अवस्था को प्राप्त हो गए होंगे। तो उन्होंने कहा कि अब मारो काले कुत्ते को लाठी सिर ऊपर। अब श्री जी क्या कहते हैं कि तब श्री जी ये सराहिया शाबाश चिंतामण पाई ते निस्वत ए सुकन मोमिन। श्री जी ने उनकी सराहना की, प्रशंसा की कि चिंतामणि आपको शाबाशी है, क्योंकि इस तरह से सत्य को स्वीकार करने की प्रवृत्ति ब्रह्म सृष्टियों में ही होती है। अपने अहंकार को त्यागने की प्रवृत्ति, अपना समर्पण करने की प्रवृत्ति ब्रह्म सृष्टियों में ही होती है, और तुम्हें परमधाम की उसी ब्रह्म सृष्टि होने के निस्वत से ही इसकी प्राप्ति हुई है। अब आगे चिंतामणि जी ने अपने शिष्यों के साथ तारतम ज्ञान ग्रहण किया। तारतम ज्ञान ग्रहण करते हुए चार बातों का परहेज कराया गया, मांस शराब परस्त्री चोरी झूठ बोलना इत्यादि। अब कल की चर्चा में हम सुनेंगे कि किस प्रकार उन्होंने इन चार बातों का परहेज कराया। हम ये भी जानेंगे कि अध्यात्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के लोग हों, उनके लिए मांसाहार क्यों अनुचित है। शारीरिक मानसिक आर्थिक सामाजिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मांसाहार क्यों त्याज्य है। इसी तरह से शराब जो कि बनाने में तो पाप नहीं होता है, जो कि फलों का रस कहा जाता है, तो शराब पीने में पाप कैसे होता है। परस्त्री गमन क्या है, उसे क्यों नहीं करना चाहिए, चोरी करना झूठ बोलना इसको क्यों त्याग करना चाहिए, वो सारी बातें। और उसके बाद लालदास जी जो कि अपने समय के बहुत बड़े व्यापारी हैं, कई लोग ये कहते हैं, कई परंपरागत रूप से ये मान्यता मानी जाती रही है कि उनके 99 जहाज थे। तो किस तरह से इतने बड़े सेठ जो कि भागवत के ज्ञानी भी हैं कैसे श्री जी के पास आते हैं। जिन जो पहले लक्ष्मण सेठ रहे हैं और लालदास बने, जो श्री जी की छाया बने और जिनके जिनको महामति की शोभा मिली और जिनके द्वारा लिखी गई वीतक को हम पढ़ रहे हैं अभी, जिनकी चर्चा हम सुन रहे हैं, तो उन लालदास जी के मिलने की भूमिका कैसे बनती है, ये सारी वीतक सुनेंगे हम कल। अभी के लिए समय पूरा होता है, चौपाई दे रही है। तब श्री जी ये सराहिया श्याबास चिंतामन पाई ते निस्वत ए सुकन मोमीन।
ए सुकन मोमीन। बोले श्री प्राणनाथ, बोले श्री सतगुरु महाराज की।